हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनल है एंड वेलकम टू माय चैनल टीचर रैवलर। और आज मैं आपको कूर के सबसे खूबसूरत और रोमांचक जगह लेके जाऊंगी, मंडल पट्टी पीक। मंडल पट्टी पीक सी लेवल से 1600 मीटर की हाइट पे लोकेटेड है और मदिकेरी से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। वेस्टर्न घाट में पुष्पागिरी फॉरेस्ट में एक खूबसूरत माउंटेन पीक है। आजकल ये टूरिस्ट के बीच काफी पॉपुलर डेस्टिनेशन बन चुका है। मंडल पट्टी कूर का एक छुपा हुआ खजाना है, जो अपने हरे भरे पहाड़ों, पैनोरामिक व्यूज, लश ग्रीन सीनिक व्यूज एंड ऑफ रोड सफारी के लिए काफी फेमस है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ऊंचे नीचे रास्ते और जंगलों से गुजरना पड़ता है। ये इकलौता ऐसा पीक है कूर्ग में जहाँ आपको ट्रेकिंग करनी नहीं पड़ेगी, एक सर्टेन पॉइंट तक ही पहुँच सकते हैं, उसके बाद आप ट्रेकिंग का मजा उठा सकते हैं। हम लोग बैंगलोर से 6 घंटे की ड्राइव करके ऑलरेडी पहुंच गए थे कूर्ग एक दिन पहले। आज सुबह 10:30 बजे निकले हैं मंडल पट्टी के लिए अपने होटल विस्परिंग वुड्स से, जो कि लगभग 18 किलोमीटर दूर है। रास्ते में हमें कूर्ग की खूबसूरती के नज़ारे देखने को मिले, हरे भरे पहाड़, कॉफी प्लांटेशन, छोटी छोटी पहाड़ियाँ और ठंडी हवा का एहसास। रास्ता अच्छा है और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। ग्लास ब्रिज के पास ही पार्किंग है, वहाँ कार पार्क करके हमने जीप हायर की जिसमें 8 से 9 लोग बैठ सकते हैं। ये जीप मंडल पट्टी के टॉप तक जाएगी। हम 7 लोग थे। जीप का कॉस्ट है 2300 से 2500 रुपए, थोड़ी बार्गेनिंग कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हो तो शेयरिंग भी जा सकते हैं, जिसका प्राइस है 400 से 500 रुपए पर पर्सन। आगे और भी आप अपनी कार ले जा सकते हैं, लेकिन लास्ट के 5 किलोमीटर्स बहुत खराब हैं, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी अपनी कार से। एक सर्टेन पॉइंट के बाद अलाउ नहीं करते पर्सनल कार ले जाना। कुछ 10 मिनट की राइड के बाद एक और पॉइंट आता है जहां से आपको मंडल पट्टी पीक के लिए टिकट लेनी होती है, जिसका प्राइस है 50 रुपीज पर पर्सन। वैसे तो वहां पे चेकिंग भी होती है सामान की, कि कहीं आप प्लास्टिक तो नहीं ले जा रहे, बट उस दिन शायद बारिश की वजह से चेकिंग नहीं हुई। मंडल पट्टी तक जाने वाले रास्ते में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि उबड़ खाबड़ रास्ते से जब जीप गुजरती है तो पूरी बॉडी डांस करने लगती है। पूरे रास्ते आपको छोटे छोटे गड्ढे और तालाब देखने को मिलेंगे। इन्हीं टूटे रास्तों से आपको गुजरना है मंडल पट्टी पीक तक। कुछ लोगों ने अपनी कार सिक्योरिटी पॉइंट तक पार्क कर दी थी और वहां से ट्रैक कर रहे थे। फाइनली 5 किलोमीटर्स के ऑफ रोड के बाद जीप ड्रॉप करेगी पार्किंग पे और वहां से 200 मीटर की आसान सी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी फाइनल पीक तक। पीक पे एक व्यू पॉइंट बना हुआ है जहां से कहते हैं पूरा कूर्ग नजर आता है, और यही रीजन है कि कूर्ग को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। मॉनसून में जाने की वजह से हमें तो वो नज़ारे देखने को नहीं मिले। यहाँ की खास बात यह है कि ये भीड़ भाड़ से दूर शांति से भरी हुई है। यहाँ आके आप नेचर से जुड़ पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कूर्ग घूमने आ रहे हैं तो मंडल पट्टी पीक ट्रैवल लिस्ट में जरूर डालें। ये ऐसी जगह है जहाँ नेचर की खूबसूरती आपको अमेज कर देगी।
मंडलपट्टी पीक के बाद जीप सफारी जो है आपको उसी जगह पे ड्रॉप करेगी जहां आपकी कार पार्क्ड है, और वहीं से एक रास्ता कटता है एबी फॉल्स के लिए। एबी फॉल्स बहुत सुंदर वाटरफॉल है, चारों तरफ से कॉफी प्लांटेशन स्पाइस एस्टेट से घिरा हुआ है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन ऑफ कूर्ग। इसकी एंट्री फीस सिर्फ 10 रुपए है और चिल्ड्रन के लिए 5 रुपए। मदिकेरी से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। क्योंकि हम मॉनसून में गए थे तो हमें वाटरफॉल का फुल फ्लो देखने को मिला। एबी फॉल्स तक पहुंचने के लिए कुछ पैदल रास्ता कवर करना पड़ता है, जिसे कवर करने में 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। बिल्कुल जंगल के बीच में ये वाटरफॉल्स है, तो वॉक करते समय नेचर की सुंदर आवाज सुनाई देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं मंडलपट्टी का ट्रैवल कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सफर के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।